Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज का जो discussion होने वाला है वो बहुत ही important topic पर है. आपने भी news में जरूर देखा होगा कि Supreme Court ने एक new handbook release करी है जो कि gender stereotypes को combat करने के मामले में है. आप screen पर देख भी पा रहे हो, ये cover page है उस handbook का जिसपे लिखा हुआ है handbook on combating gender stereotypes, Supreme Court of India. CJI जस्टिस डी वाई चंद्रचूर साहब ने साफ साफ क्लियर करा है कि अब से ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो वर्ड्स यूज करे जाते थे कोर्ट रूम के अंदर लॉयर्स के द्वारा, जजेस के द्वारा, अब उनको वो यूज नहीं करना है. दे हैव टू माइंड देयर ओन लैंग्वेज व्हाइल दे आर यूजिंग दीज टर्म्स. उन्होंने पूरी पूरी वोकैबुलरी यहाँ पर चेंज करके रख दी है कि अब आपको किन शब्दों का प्रयोग करना है. ये आज का वीडियो लॉ कम्युनिटी से जुड़े हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो लॉ कम्युनिटी से नहीं भी जुड़ा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जेंडर स्टीरियोटाइप सिर्फ कोर्ट रूम में यूज नहीं किया जाता था, ये वर्ड्स हमारी सोसाइटी में यूज करे जाते हैं, शायद इसीलिए कोर्ट रूम में यूज होते थे. तो सोसाइटी की सोच को बदलने के लिए ये हैंडबुक एक तरह से कह लीजिए एक छोटी सी कोशिश है जो सुप्रीम कोर्ट ने करने का प्रयास किया है. मेरे हिसाब से अगर धीरे धीरे लोग इसको अडॉप्ट करेंगे तो हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने का एक बेस्ट एग्जांपल प्रूव कर सकते हैं. तो डिस्कशन करने से पहले कुछ बातें यहाँ पे देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स वो हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, वो हाई कोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं. आने वाले वीक में 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में मैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स पर सेशन लेके आने वाली हूँ अन अकेडमी पे, वो भी फ्री. अन अकेडमी पे आप लॉग इन कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके. यहाँ पर ये स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस होंगी उन सभी लोगों के लिए जो क्लैट पीजी या अदर एलएलएम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. अगर आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. 25 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं. अभी शेड्यूल एक दो दिन में आ जाएगा, उसके बाद आप उसको फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं. अन अकेडमी लेकर आया है अचीवर्स बैच क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए. ये प्रिपरेशन आपकी क्लैट पीजी और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी है क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवर करता है. यहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाती हूँ, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है ये बैच तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, क्योंकि दिसंबर बहुत दूर नहीं है जब आपका एग्जाम आने वाला है. क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बेनिफिट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो. यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट के साथ लाइव टेस्ट और क्विजेस भी करवाए जाते हैं बाय एजुकेटर्स. ऑल्सो आपको इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है बाय एजुकेटर्स, डेली केस एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं. अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना चाहते हो मुझसे तो क्यू आर कोड स्कैन करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. एक्सक्लूसिवली अन अकेडमी स्टोर्स पर अवेलेबल है 15111 में. अगर आप मेरा कोड MCM10 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. ये कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसमें मिलेंगे और इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन इज द मेन फीचर ऑफ दिस कोर्स. ऑल इंडिया क्लैट पीजी 2024 मॉक टेस्ट सीरीज अन अकेडमी लेके आया है जिसमें ₹1900 में आपको 20 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जा रहे हैं. ये मॉक की खासियत ये है कि आपको लाइव अटेंड करना है. हर वीकेंड ये मॉक्स होते हैं 2 बजे से 4 बजे तक, जिस टाइम पर आपका क्लैट का पेपर करवाया जाता है. फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सारे सब्जेक्ट जैसा कि आपका पेपर होगा उसी के पैटर्न पर ये बेस्ड है. डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है अगर आप क्लैट पीजी के लिए एम कर रहे हो. MSingh10 अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको 1900 पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा. जैसे कि मैंने कहा कि अभी आने वाले टाइम पे मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज लेके आने वाली हूँ, तो अभी फिलहाल मैं जो है लाइव क्लासेस लेती हूँ, स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस अन अकेडमी की वेबसाइट पे लेती हूँ, जहाँ पर मैं ट्यूजडे और थर्सडे को 6:30 बजे शाम को क्लासेस लेती हूँ. आप एक क्यू आर कोड स्कैन करके जाके मेरी लाइव रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, साथ ही साथ अपकमिंग लाइव लेक्चर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अन अकेडमी का तो ये क्यू आर कोड स्कैन करके आप फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें. तो अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हैंडबुक ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप. सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है. जेंडर स्टीरियोटाइप एक ऐसी चीज है जो एक दकियानुसी सोच जो एक समाज में स्थापित हो जाती है, जिसको लेके हम अपनी जबान पर उसको बैठा लेते हैं, हम उसी नजरिए से देखने लगते हैं लोगों को और हम बाकी लोगों को फोर्स करते हैं कि आप भी हमारी नजर से देखें उसको. ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप. किसी पर कमेंट करना, किसी को पर्टिकुलर वर्ड दे देना, कोई पर्सन ये काम करता है तो उसको हमने कोई स्पेसिफिक वर्ड दे दिया, कोई ऐसा दिखता है तो हमने उसको एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया, ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप यहाँ पर, जिसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक को रिलीज करा है.
आई होप बहुत लोग इसको शायद पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं काम इजी करने आई हूँ। बहुत जरूरी है इस हैंडबुक के बारे में जानना। आपको अगर आलस आ रहा हो पढ़ने में तो डेफिनेटली आप इस सेशन को देख सकते हो, जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल होगा समझने के लिए इस हैंडबुक में क्या है। हम इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीजों पर गौर करेंगे। आपसे देख सकते हो ये आपका इंट्रोडक्शन बेसिकली हो गया। अब हम आते हैं मेन यहाँ पर कि जो एक चार्ट दे रखा है, एक तरफ आप देख सकते हो स्टीरियोटाइप प्रमोटिंग लैंग्वेज, ठीक है, कि किस तरीके से स्टीरियोटाइप्स हमारे समाज में यूज करे जाते हैं, एंड दूसरी तरफ है कि प्रेफरेंस क्या, कौन सी लैंग्वेज को दिया जाना चाहिए। ये वो है। इसमें कुछ वर्ड्स को हम देख लेते हैं, जैसे एडल्ट्रेस। एडल्ट्रेस रिलेशनशिप में जो भी वुमेन इन्वॉल्व होती है तो उसके लिए एडल्ट्रेस शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्या प्रेफर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि आप ये यूज करिए कि वुमेन हु हैज एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड ऑफ मैरिज। जहां पर हम अफेयर वर्ड का यूज करते थे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप यूज करिए रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज, ठीक है। जहां पर बायोलॉजिकल सेक्स, बायोलॉजिकल मेल, बायोलॉजिकल फीमेल यूज हो रहा है, उसी तरह कहा जा रहा है अब सेक्स असाइंड एट बर्थ करिए। कुछ कुछ मैं देख ले रही हूँ। करियर वुमेन, कोर्ट कह रहा है करियर वुमेन क्या होता है, वुमेन यूज करिए, वो वुमेन ही तो है, आप एडजेक्टिव जबरदस्ती का क्यों लगा रहे हैं। कार्नल इंटरकोर्स, इसको नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलिए। चेस्ट वुमेन क्या होता है, अगेन आपने एडजेक्टिव यूज किया, आप सिर्फ वुमेन बोलिए। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट क्या होता है भाई, चाइल्ड हु हैज बीन ट्रैफिक, बच्चे को ट्रैफिक करके वो काम करवाया जा रहा है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। कॉन्क्यूबाइन ये क्या है, वुमेन विद हुम अ मैन हैड रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड ऑफ मैरिज। तो इस तरीके से कुछ टर्म्स आप यहाँ पर देख सकते हो। फोर्सिबल रेप है, फोर्सिबल रेप को कोर्ट कह रहा है ये फोर्सिबल रेप क्या होता है, रेप तो रेप होता है, इसमें फोर्सिबल क्या है, जो रेप है वो अपने आप में फोर्सिबली हो रहा है। फॉलन वुमेन क्या होता है, वो भाई वुमेन है, आप हर वुमेन के आगे एडजेक्टिव लगा रहे हो, ठीक है। हुकर, हुकर सेक्स वर्कर्स को हुकर कहा जाता है। प्रोस्टिट्यूट, स्लट, ये जो वर्ड यूज होते हैं तो कोर्ट ने कहा है उसके लिए आप सिर्फ सेक्स वर्कर यूज करेंगे। अगेन हाउस वाइफ की जगह आप होम मेकर यूज करिए, ठीक है। इंडियन वुमेन या वेस्टर्न वुमेन क्या है, अगेन शी इज अ वुमेन, नथिंग एल्स। तो इस तरीके से आप इस लिस्ट को देख सकते हो, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। आगे मैं कुछ कुछ मेन पे दे रही हूँ, जैसे मैरिजेबल एज क्या होती है। अ वुमेन हु हैज अटेन्ड द लीगल एज रिक्वायर्ड टू द मैरी, जो 18-21 साल की हम बात करते हैं वहां पर आप उसको समझिए। मिस्ट्रेस क्या होता है, वुमेन जिसके साथ मैन हैड रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज। अगेन प्रोस्टिट्यूट, सेक्स वर्कर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है, इसीलिए कुछ चीजें जो है रिपीट नहीं कहेंगे, बट जैसे आपने हुकर के लिए भी सेक्स वर्कर है, प्रोस्टिट्यूट के लिए भी सेक्स वर्कर है, स्लट के लिए यहाँ पर वुमेन बोल रहे हैं, ठीक। तो इसको साथ में भी किया जा सकता था, बट यहाँ पर क्योंकि ये आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज है, इस वजह से ये अलग अलग दे रखा है। सिडक्ट्रेस क्या होता है भाई, ये वुमेन है, ठीक है। होर अगेन वुमेन है। अब यहाँ पर आप खुद देख पा रहे होंगे कि काफी चीज सिनोनिम टाइप में यूज होती है। अच्छा यहाँ पे कुछ बड़ा सा लिखा है, यहाँ देख लेते हैं। सर्वाइवर या विक्टिम कौन होता है, इंडिविजुअल हु इज अफेक्टेड बाय सेक्सुअल वायलेंस मे आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ईदर अ सर्वाइवर और अ विक्टिम, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल जो सेक्सुअल वायलेंस से अफेक्ट होता है वो अपने आप को खुद कैसे देखता है, वो खुद को विक्टिम समझ रहा है, वो खुद को सर्वाइवर समझ रहा है। क्योंकि आपको मालूम है जब हम एक सर्वाइवर वर्ड यूज करते हैं तो वो क्या होता है, वो सर्वाइवर वर्ड इज समथिंग जो समझता है कि मैं एक बड़ी लड़ाई लड़के जीत चुका, मतलब मैं सर्वाइव कर गया, यही बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए लाइफ वहां पर ब्लेसिंग होती है, वो उसको सर्वाइवर देखता है। लेकिन जो वहां पर लाइफ को नेगेटिव वे में देखता है कि मैं बच क्यों गया, मुझे मर जाना चाहिए था, मैं बच क्यों गई, तो वहां पर वो उसको विक्टिम की तरह देखते हैं। तो हम या आप कोई नहीं होते हैं इसको डिस्क्राइब करने वाले, बोथ टर्म एप्लीकेबल है अनलेस द इंडिविजुअल हैज एक्सप्रेस्ड अ प्रेफरेंस, इन विच केस द इंडिविजुअल प्रेफरेंस शुड बी रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पर बात आती है जो मैंने कहा, इंडिविजुअल किस फ्रेम में खुद को देख पा रहा है। अगर वो खुद को सर्वाइवर समझता है तो वो यूज किया जाएगा, अगर विक्टिम है तो वो, हाँ डिपेंडिंग, यहाँ पे उसको प्रेफरेंस बतानी पड़ेगी कि मेरे लिए कौन सा टर्म यूज होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इंटरमिक्स कुछ भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर काफी चीजें आप देख सकते हो, स्टीरियोटाइप्स को समझाने की कोशिश करी गई है, ये फंक्शन कैसे करता है, यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स भी मेंशन करे गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर कोर्ट ने केस लॉस को भी मेंशन किया है, जहां पर टाइम टू टाइम विमेन पर क्वेश्चन उठा है, विमेन के सेक्सुअल एक्टिविटी को लेके अगर कोई सवाल उठता है, उसके टू फिंगर टेस्ट को लेके कोई सवाल उठा है, तो जो जो केसेस यहाँ पर हुए ये सब मेंशन कर दिए गए। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्हाट डू वी मीन वी से जेंडर, जब हम जेंडर बोलते हैं तो उससे मतलब क्या होता है। तो आपको खुद मालूम है कि आने पिछले समय में कुछ टाइम पे जेंडर के हम तीन चीज समझ रहे हैं, मेल होता है, फीमेल होती है, एंड ट्रांसजेंडर, तीन कैटेगरीज को हम देखने लग गए हैं।
तो उसी तरीके से यहाँ पर एक जेंडर को पहले समझाने का प्रयास किया गया है, फिर उसके बाद अलग अलग तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं वो, क्योंकि हम हैंडबुक पे बात कर रहे हैं तो हम इन टर्म्स पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम ये डिस्कशन करेंगे कि मेनली हैंडबुक का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या बताया गया है। अब आप देख सकते हो कि कुछ स्टीरियोटाइप्स यानी कि कुछ दकियानुसी सोच है जो सोसाइटी में डेवलप हो चुकी है, बट कोर्ट ने समझाने की कोशिश करी है कि आखिर में रियालिटी क्या है। ठीक, अब जैसे क्या कहते हैं कि विमेन ओवरली इमोशनल होती है, इलॉजिकल होती है और अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती है। रियालिटी क्या है कि पर्सन का जेंडर ये डिटरमाइन नहीं करता है उसकी कैपेसिटी को कि वो कोई चीज डिसीजन किसी चीज का ले सकता है या नहीं ले सकता है। सेकेंड, सारी विमेन जो होती हैं वो फिजिकली वीकर होती हैं सारे आदमियों से। कोर्ट क्या कह रही है, रियालिटी क्या है कि मैन और विमेन ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है कि सारी विमेन वीकर होती हैं फिजिकली मैन के कंपैरिजन में। पर्सन की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके जेंडर पे डिपेंड नहीं करती है बल्कि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका जेनेटिक्स कैसा है, उसका न्यूट्रिशन क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या परफॉर्म की जाती है। विमेन पैसिव होती हैं। अच्छा, रियालिटी क्या है, पीपल अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिस्प्ले करते हैं, तो दोनों आदमी और औरत जो हैं वो पैसिव हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते हैं। विमेन पैसिव नहीं होती हैं एज अ रूल, कहीं पर किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है कि विमेन ज्यादा पैसिव होती हैं, ये एक दकियानूसी सोच है जो समाज ने डेवलप कर ली है। विमेन बहुत वार्म होती हैं, काइंड होती हैं, कंपैशनेट होती हैं। कोर्ट कह रही है रियालिटी ये है कि कंपैशन क्या होता है, एक अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है जो इंडिविजुअल अडॉप्ट कर लेता है। तो हर एक जेंडर के जो लोग हैं वो कंपैशनेट हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि विमेन होती है। अनमैरिड विमेन जो होती है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन सबकी लाइफ के नहीं ले सकती हैं। कोर्ट कह रही है रियलिटी ये है कि मैरिज का कोई लेना देना नहीं है इंडिविजुअल की एबिलिटी पर डिसीजन मेकिंग पावर को लेके। जो लॉ है वो एक स्पेसिफिक एज को डिफाइन करता है कि कब आप कंसेंट दे सकते हो सर्टेन एक्टिविटीज को लेके, जैसे मैरिज हो गया, हम अल्कोहल कब कंज्यूम कर सकते हैं या कोई भी इंडिविजुअल कब क्या काम कर सकता है जिसे कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना है। तो आपको मालूम है कि वहां पर जो रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने उसके लिए कोर्ट ने मेंशन, उसके लिए लॉ की किताबों ने साफ साफ 18 साल की उम्र बता दिया है। बट अनमैरिड वुमेन आज की डेट में शादियां तो 30 साल में हो रही हैं, 25 साल के ऊपर हो रही हैं, तो क्या 30 साल तक कोई अपने डिसीजन ही नहीं ले सकता, ये गलत है। विमेन जो ऑप्रेस कम्युनिटी की हैं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कम होती हैं, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है वर्ल्ड की, मतलब कि उन्होंने समाज को नहीं देखा है, तो उनकी जो सोच है वो बहुत खुली हुई नहीं होती है। रियलिटी क्या है कि कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल बिलोंग, जिस कम्युनिटी को एक इंडिविजुअल बिलोंग करता है उससे ये साबित नहीं होता है कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी कैसी होने वाली है। ऑल वुमेन, हर औरत को बच्चा चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये जरूरी नहीं है, हर विमेन को बच्चा नहीं चाहिए। पेरेंट उसको बनना है या नहीं बनना है एक इंडिविजुअल चॉइस होता है और हर एक पर्सन अपनी वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए ये चॉइस को लेता है। आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये कह दिया गया है कि पेरेंट बनना है कि नहीं बनना है, मदर बनना है कि नहीं बनना है। रिप्रोडक्टिव चॉइस जो होती है वो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए। तो इसी पर हम एक केस भी देख लेते हैं जिसमें यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने एज ऑफ मेजॉरिटी और ऑटोनोमी पर बात करी थी। एक 24 ओल्ड विमेन के जो पेरेंट्स थे उन्होंने हेबियस कॉर्पस इशू किया सीकिंग द प्रोडक्शन ऑफ देयर डॉटर हु हैड मैरिड एंड मूव्ड अवे फ्रॉम देम। इन अलाउइंग द पिटिशन, केरला हाई कोर्ट यहाँ पे क्या कहता है, अ गर्ल जो 24 साल की है वो कमजोर है, वो वल्नरेबल है, वो कई तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। कोर्ट यहाँ पे पेरेंट्स पैट्रियट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करता है एंड वो कहता है कि हमारे लिए यहाँ पे फोरमोस्ट अभी क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी एज इंपॉर्टेंट है। हर मैरिज बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन हर लाइफ कैन आल्सो बी टेकन ओनली विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हर पेरेंट्स। कोर्ट ने कहा पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ शादी का डिसीजन लिया जा सकता है। मैं जिस केस की बात कर रही थी वो है 2018 का केस, शफीन जहान वर्सेज अशोक केएम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिवर्स करा डिसीजन को। 2017 ये केरला का था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, मतलब सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करती है। नोट क्या किया गया कि हाई कोर्ट वाज ऑफ द व्यू कि 24 में, ठीक है, केरला हाई कोर्ट ने दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हाई कोर्ट का ये व्यू है कि 24 में शी इज वीक एंड वल्नरेबल, ठीक है, उसका एक्सप्लॉयटेशन कई तरीके से हो सकता है। हाई कोर्ट हैज लॉस्ट साइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज मेजर, वो मेजर है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है और उसको ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है ये डिसाइड करने के लिए, वो जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ को लीड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि सुपीरियर कोर्ट वेदर दे एक्सरसाइज देयर ज्यूरिसडिक्शन, सुपीरियर कोर्ट जो अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज पेरेंट्स फैटरे कर रहे हैं इन द केस ऑफ पर्सन हु आर इनकेपेबल ऑफ असर्टिंग अ फ्री विल सच एज माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि वहां पर एक्सरसाइज होना चाहिए ये ज्यूरिसडिक्शन जहां पर माइनर का केस है या फिर अनसाउंड माइंड का है। 24 साल की लड़की मेजर है, अनमैरिड पे मत जाइए, स्टीरियोटाइप अगेन वो मत लेके चलिए कि अनमैरिड वुमेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस लाइफ के नहीं ले सकती है, डेफिनेटली शी इज ऑफ 24, वो मेजर है, वो डिसीजन ले सकती है। एक्सरसाइज ऑफ दैट ज्यूरिसडिक्शन शुड नॉट ट्रांसग्रेस इनटू द एरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स टू अ मैरिटल टाई। इस तरीके से कोर्ट ने यहाँ पर इसको चेंज किया था एंड देन इसी के बेसिस पर यहाँ पर चार्ट में बोला गया कि भाई इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर अगेन स्टीरियोटाइप और रियलिटी पे हम बात करते हैं। तो एक स्टीरियोटाइप ये है कि वुमेन जो होती है बहुत नर्चरिंग उसका नेचर होता है, वो लोगों का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती है। रियलिटी ये है कि कोई भी जेंडर का व्यक्ति हो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, अगर वो ख्याल रखने वाला होगा तो वो रखेगा, नो मैटर वो आदमी है या औरत है। विमेन जो होती है सोशली कंडीशनड होती हैं क्योंकि उनको यंग एज से सोशली कंडीशन किया जाता है, वो अपने माँ को देखती हैं, वो पिता को देखती हैं, तो उस तरीके से उस घर में वो डेवलप होती हैं। लड़के बाहर निकल जाते हैं तो सोशली कंडीशन नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है कई विमेन को। यहाँ पे रियलिटी क्या है कि विमेन को फोर्स करा जाता है अपने करियर को छोड़ने के लिए कि तुम्हें बच्चों का और बूढ़ों का ध्यान रखना है। इस वजह से क्या है कि ये स्टीरियोटाइप क्या है, एक तरह से बर्डन बन गया विमेन के लिए सोसाइटी में, कि आपने ये सोच लिया है कि विमेन ही ध्यान रख सकती है घर का एंड देयरफॉर उसी को अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। विमेन शुड डू ऑल द हाउस होल्ड चोर, अब स्टीरियोटाइप क्या है कि घर के काम सिर्फ औरत कर सकती है, जबकि रियलिटी क्या है कि हर जेंडर का आदमी जो है वो इक्वली कैपेबल है घर के काम करने के लिए। मेन जो होता है, जो आदमी होता है, उसको ये कंडीशन किया जाता है इस तरीके से कि खाली विमेन, बचपन से लड़के को क्या बताते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए अभी माँ है जब तुम छोटे हो, और जब तुम बड़े हो तो तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बीवी आएगी। उसको खुद को लड़के को नहीं बताया जाता है। तो कोर्ट इस बात पे मेंशन कर रही है कि लड़के ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट उनको जो है घर में इस तरीके से कंडीशनिंग करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस वजह से वो नहीं करते हैं। तीसरा, वाइफ ही है जो अपने हस्बैंड के पेरेंट्स का ध्यान रख सकती है। ठीक है, जो वाइफ है वही ध्यान रखेगी, जबकि रियलिटी क्या है कि जब भी कोई बूढ़ा है, कोई भी बूढ़ा हो रहा है, अपनी एज जिसकी बढ़ रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर एज अ फैमिली आती है, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर आती है। ज़रूरी नहीं है कि वो औरत ही देखे, वो आदमी भी अपने माँ बाप का ध्यान रख सकता है, वो आदमी उस लड़की के अपनी वाइफ के माता पिता का भी ध्यान रखना उसका दायित्व बनता है। स्टीरियोटाइप क्या है कि जो औरत घर के बाहर काम करती है वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती है, जबकि रियलिटी क्या है कि जो वुमेन घर के बाहर काम कर रही है उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करती है या करती है से। पेरेंट्स जो हर एक जेंडर के हैं, बहुत लोग हैं घर के बाहर काम कर रहे हैं लेकिन वो अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम कम टाइम दे रहे हैं, तो जो टाइम वो दे रहे हैं वो पूरा पूरा टाइम उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन वहीं पर आप सिर्फ घर पर हो लेकिन आप अगर बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर तो वो फ्रूटफुल कहीं से भी नहीं हुआ ना। नेक्स्ट स्टीरियोटाइप क्या है, विमेन जो मदर्स होती हैं वो लेस कॉम्पिटेंट है, मतलब जो औरत माँ है वो ऑफिस में अच्छे से काम नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि उसका दिमाग लगा रहता है अपने बच्चों में। रियलिटी क्या है कि विमेन के पास डबल ड्यूटी है, उसके पास दो ड्यूटी है, एक घर के बाहर और दूसरा घर के अंदर अपने बच्चों का ध्यान रखना, और आउटसाइड द होम एंड रेज चिल्ड्रेन। लेकिन कहीं से भी ये नहीं प्रूव होता कि वो लेस कॉम्पिटेंट है। सीधी सी बात है, कोई भी है, इंडिविजुअल इंसान है, थोड़ा बहुत उसके फर्क तो दिखाई देगा, बट इसका मतलब ये नहीं, प्रूफ नहीं हो जाता कि वो लेस कॉम्पिटेंट है। विमेन जो घर के बाहर काम नहीं करती, कहने का मतलब है वो हाउस होल्ड में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं हस्बैंड से कंपेरिजन में। रियालिटी क्या है, ये बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने समझाने के लिए कि विमेन जो होम मेकर्स होती हैं वो अनपेड डोमेस्टिक लेबर करती हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, वो खाना बनाती हैं, वो घर साफ करती हैं, वो साफ सफाई कर रही हैं, वो कपड़े धो रही हैं, वो हाउस होल्ड का हर एक काम कर रही हैं, वो घर का अकाउंट्स भी मेंटेन कर रही हैं, लेकिन उसके लिए उनको कुछ भी पे नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ वो ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, बूढ़ों का ध्यान रखती हैं, ठीक है, बच्चों को उनके होमवर्क में हेल्प करती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हेल्प करती हैं। अनपेड लेबर यहाँ पे जो विमेन परफॉर्म कर रही है वो ना सिर्फ हाउस होल्ड क्वालिटी, वो एक तरह से घर को घर बना रही है, इसीलिए कोर्ट ने देखो हाउस वाइफ की जगह क्या कहा है, क्या यूज करो, होम मेकर।
वो हाउस वाइफ नहीं है, वो होम मेकर है जो घर को घर बना रही है। तो हाउस होल्ड क्वालिटी को बढ़ा रही है, ऑल्सो मॉनिटरी सेविंग में मदद करती है। ठीक है, जो होम मेकर्स होती हैं वो हाउस होल्ड में मदद करती है इक्वली तरीके से। कॉन्ट्रीब्यूशन उनका देखा नहीं जाता है, लोग ओवरलुक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बहुत लिमिटेड वैल्यू में लोग उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट स्टीरियोटाइप क्या है कि विमेन को सबमिसिव होना चाहिए, जो आदमी कहे उसमें हाँ में हाँ मिला के उसको बिल्कुल समर्पित हो जाना चाहिए। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे कोट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि इक्वल राइट मिली है सारे इंडिविजुअल को, हर एक जेंडर के लोगों को, ना तो विमेन सबऑर्डिनेट है ना ही मेन सबऑर्डिनेट है, और इनको किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस पर। अब यहाँ पे लूज कैरेक्टर को लेके बात होती है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, इवन इन केसेस अनलाइक द प्रेजेंट केस वेयर देयर इज सम एक्सेप्टेबल मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड टू नो टू शो दैट द विक्टिम वाज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, नो सच इन्फरेंस लाइक द विक्टिम बीइंग अ गर्ल ऑफ लूज मॉरल कैरेक्टर इज परमिसिबल टू बी ड्रॉन फ्रॉम दैट सर्कमस्टेंस अलोन। Even if the prosecutress has been promiscuous in her sexual behavior earlier, she has a right to refuse to submit herself to intercourse to anyone and everyone. No stigma like the one as cast in the present case should be cast against the witness by the court. यहाँ पे court सीधे सीधे क्या कह रही है, अगर कोई person यहाँ पर मतलब इस present case में मान लीजिए कोई acceptable material record नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई और court होता, कोई और case होता जिसमें मटेरियल होता ऑन रिकॉर्ड जो शो कर रहा होता कि विक्टिम जो है वो हैबिचुएटेड है सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोर्ट कह रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लूज मॉरल कैरेक्टर का टैग दे दोगे, आप उसको टैग नहीं दे सकते हो। इनफैक्ट अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स किसी और के साथ इन्वॉल्व है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, पहले रही है, उस टाइम पे उसने हाँ बोला, प्रॉमिस्कुअस सेक्सुअल इंटरकोर्स था, बट फॉर द सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम एनी टाइम इफ शी इज डिनाइंग, ठीक है, अगर शी इज सेइंग नो, तो दैट डजंट मीन कि यहाँ पर उसको रिफ्यूज करने का राइट नहीं है, उसको पूरी तरीके से राइट है, वो रिफ्यूज कर सकती है। ठीक है, स्टीरियोटाइप नेक्स्ट क्या है, विमेन हु ड्रेस इन क्लोथ्स, जो ट्रेडिशनल कपड़े लड़कियां जो नहीं पहनती है उससे क्या पता चलता है कि वो सेक्सुअल रिलेशन में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगर मैन किसी विमेन को उसकी बिना कंसेंट के टच कर रहा है तो ये उसकी गलती है, स्टीरियोटाइप ये है। जबकि रियालिटी क्या है कि क्लोदिंग और अटायर विमेन का ना ही इंडिकेट करता है कि वो इंगेज होना चाहती है सेक्सुअल इंटरकोर्स में कि नहीं, और ना ही ये इनविटेशन है कि आके मुझे टच करो। विमेन आर केपेबल ऑफ वर्बली, वो कम्युनिकेट कर सकती हैं दूसरों के साथ, एक्सप्रेस कर सकती हैं अपनी चॉइस को कि वो इन्वॉल्व होना चाहती हैं नहीं हो सकती हैं, कंसेंट वो अपनी तरीके से दे सकती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्टीरियोटाइप क्या है कि जो विमेन अल्कोहल कंज्यूम करती है, सिगरेट स्मोक करती है, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंगेज होना चाहती है, अगर मैन ऐसी विमेन को टच कर रहा है तो ये उसकी गलती है। फिर वुमेन, कोर्ट कह रही है दूसरी लोगों की तरह एक वुमेन जो है वो अल्कोहल कंज्यूम कर सकती है, वो सिगरेट पी सकती है वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से, रिक्रिएशन के लिए। जो अल्कोहल का कंजप्शन है, जो टोबैको का यूज है, ये इंडिकेशन नहीं है कि उसकी डिजायर है फॉर सेक्सुअल रिलेशन विद द मैन। अगर मैन जो ऐसी विमेन को बिना उसकी कंसेंट के टच करता है, उसको परमिट नहीं किया जाना चाहिए डिफेंस लेने के लिए कि उसने ड्रिंक या टच में उसको इनवाइट किया था। मैन जो सेक्सुअली असॉल्ट या रेप करते हैं विमेन को, वो टिपिकली स्ट्रेंजर्स होते हैं एंड दे आर नॉट नोन टू द विमेन। ये बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है, ठीक है, कि जिनके जब भी किसी विमेन के साथ रेप होता है, असॉल्ट होता है, तो वो हमेशा स्ट्रेंजर होता है जबकि उसका जानने वाला नहीं होता। ये गलत है, कोर्ट कह रही है ज्यादातर केसेस ऐसे हैं सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के जहां पर विमेन का रेप और सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले उसके जानने वाले लोग हैं। वो कलीग हो सकता है, वो एम्प्लॉयर हो सकता है, वो एम्प्लॉई हो सकता है, वो नेबर हो सकता है, वो फैमिली फ्रेंड हो सकता है, वो फैमिली मेंबर हो सकता है, वो पहला या अभी का पार्टनर हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, या कोई भी जानने वाला। ठीक, नेक्स्ट स्टीरियोटाइप, विमेन जो सेक्सुअली असॉल्ट या रेप होती है बाय अ मैन, cry incessantly and are depressed, वो suicidal हो जाती हैं, depression में चली जाती हैं। अगर ऐसे women के behavior does not conform to this mold, she is lying about having been raped. अगर वो मान लीजिए अगर रो नहीं रही है, वो बहुत bold है, वो बहुत practically बात कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो झूठ बोल रही है। Different people का different तरीका होता है react करने का, court कह रही है traumatic events होते हैं ये, इस पर लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। जैसे अगर किसी parent की death हो जाती है तो एक पर्सन हो सकता है जो पब्लिक में चिल्ला चिल्ला कर रो रहा हो, वहीं पे दूसरा पर्सन ऐसा हो सकता है सिमिलर सिचुएशन में जो अपनी इमोशंस को पब्लिक में नहीं बता पा रहा हो।
सिमिलरली एक विमेन का रिएक्शन जब वो सेक्सुअली असॉल्ट उसको किया जाता है, जब या किसी ने उसका रेप कर रखा है, वो उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर सकता है। यहाँ पर करेक्ट या अप्रोप्रिएट जैसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें सर्वाइवर या विक्टिम बिहेव करेगा। विमेन जो नहीं आदमियों से बात करती है, डू नॉट स्पीक टू द मैन हु हैज सेक्सुअली असॉल्ट या रेप देम आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप। ठीक है, मतलब अगर किसी ने उसका रेप किया है, सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो फिर लौट के उसको उससे बात नहीं करनी चाहिए। अगर विमेन बात कर रही है तो फिर उसकी जो कंप्लेन है वो गलत है। ठीक, रियलिटी क्या है, वुमेन को फोर्स किया जाता है मेन से इंटरेक्ट करने के लिए जिसने उसको सेक्सुअली असॉल्ट या रेप किया था। ठीक, अब ये हो सकता है क्योंकि परपिट्रेटर एक फैमिली मेंबर हो सकता है। जब आपका जानने वाला ही कोई है तो सीधी सी बात है, जब कोई बिलीव नहीं करेगा आपके ऊपर कि आप झूठी बात कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, तो इन दैट केस तो आपसे बात आपको बात करने के लिए पुल किया जाएगा ना। तो वो फैमिली मेंबर है, वो एम्प्लॉयर है, वो कोई और अदर पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, अगर एम्प्लॉयर हो सकता है। ठीक है, तो सोशल सर्कमस्टेंसेस इसीलिए ऐसे होते हैं जो उस विक्टिम या सर्वाइवर को फोर्स करते हैं कि परपेट्रेटर के साथ तुम इंटरेक्ट करो। फर्दर, सर्वाइवर्स या विक्टिम जो सेक्सुअल अब्यूज की हैं, उनके लिए डिफिकल्ट होता है इस अब्यूज को रिपोर्ट करना इमीडिएटली ड्यू टू द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके उनको डर होता है। इंटरेक्शन जो अक्यूज के साथ होगा, इट शुड नॉट लीड टू प्रिजम्पशन की कंप्लेन जो है वो गलत है। इस तरीके की कुछ चीजें हैं, आगे बढ़ के थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़े थोड़े देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर कोर्ट किया जाता है भवरी देवी और विशाखा के केस को, उनकी गाइडलाइंस को कोर्ट ने यहाँ पर करा। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुकी हूँ विशाखा, क्योंकि भवरी देवी का केस था, उसके बाद जो उनको जस्टिस जब नहीं मिल पाया था, तो उसके बाद जो है ये विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा एनजीओ जो थी, उन्होंने सूट फाइल किया था, रिट पिटीशन मतलब डाली गई थी, एंड देन उसके बाद कोर्ट के कहने पर कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी थी विशाखा गाइडलाइंस के नाम से, जिसमें उन्होंने कहा कि सेक्सुअल हेरासमेंट जो वर्क प्लेस पर होता है उसके लिए भी गाइडलाइंस आनी चाहिए, उसके लिए एक लॉ बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई ऑफिस में बैठ के नौकरी कर रहा है या कोई फील्ड वर्क कर रहा है, काम तो काम होता है। अगर कोई एनजीओ की कोई सोशल वर्कर भी अगर वो कोई काम कर रही है तो वो अपनी जॉब कर रही है, एंड वहां पर भी अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल हेरासमेंट हो रहा है तो सीधी सी बात है उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड इसी के बाद जो था आपका सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस आपका एक्ट आया था। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फिर कुछ स्टीरियोटाइप्स वही आते हैं सेक्स वर्कर्स को लेकर। क्या स्टीरियोटाइप्स हैं कि मैन के लिए पॉसिबल ही नहीं है किसी सेक्स वर्कर को रेप करना। रियलिटी क्या है, इट इज पॉसिबल फॉर अ मैन, क्योंकि सेक्स वर्कर की भी कंसेंट होती है। ठीक है, अगर वो सेक्सुअल रिलेशन में एंगेज होने के लिए कंसेंट नहीं दे रही है तो सीधी सी बात है अगर वहां पर उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया जा रहा है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। ऑफेंस ऑफ रेप बनता है सेक्स वर्कर के साथ भी, ये गलत फहमी है। ठीक है, रेप इज अ क्राइम जो टेंट करता है ऑनर ऑफ द सर्वाइवर या विक्टिम और हर फैमिली। अगर रेपिस्ट सर्वाइवर के साथ विक्टिम के साथ शादी कर लेगा तो उसका ऑनर रिस्टोर हो जाएगा। देखते हैं आप कई केसेस में, रेप के केसेस में क्या होता है, विक्टिम के साथ शादी करवा दी जाती है रेप क्रिमिनल की। ठीक है, रियलिटी क्या है, रेप, पहली बात तो रेप से किसी की भी सर्वाइवर या विक्टिम के ऑनर को कोई भी ठेस नहीं पहुंचती है। ठीक है, जो मैरिज होती है रेपिस्ट की, अगर आप सर्वाइवर या विक्टिम से करवा रहे हो तो उसके ऑनर को रिस्टोर नहीं करता है, रैदर वो ट्रॉमेटाइज करता है। जो ट्रॉमा उस ने फेस किया उस पर्सन से, वो बार बार ट्रिगर होगा, क्योंकि उस टाइम पे उस फेस से वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं रिलेट हो जाता है। तो जितनी बार वो उस इंसान को देखेगी उतनी बार वो और ट्रॉमेटाइज होगी। ठीक है, फिर एक है यहाँ पर कि विमेन जो होती हैं वो फॉल्स एलिगेशन लगाती हैं, जबकि उसमें रियलिटी कुछ और है। तो कई तरह की चीजों को यहाँ पर कंसिडर किया गया। अब जैसे लूज कैरेक्टर वाला मैं बात कर रही थी, तो कह रहे हैं कि विमेन जो प्रीवियसली सेक्सुअल रिलेशन बना चुकी है उसका रेप नहीं हो सकता क्योंकि वो लूज कैरेक्टर की है। यहाँ पर अगेन उसी चीज को फिर कोर्ट बोल रहा है, और यहाँ पर अमेंडमेंट भी किया गया था। कोर्ट का कहना है कि रियलिटी ये है कि जो विमेन कंसेंट करती है सेक्सुअल एक्टिविटी को विद द मैन जो कंसेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, विद वन मैन, अच्छा विद वन मैन जो कंसेंट कर रही है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए विद वन मैन, डज नॉट कंसेंट टू सेक्सुअल एक्टिविटी विद ऑल मैन। अगर एक के साथ एक को कंसेंट दे दी, दैट डजंट मीन कि पूरी टोली को कंसेंट दे दी। ठीक है, सिमिलरली अगर एक वुमेन कंसेंट दे रही है किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मैन को एट अ पर्टिकुलर इंस्टांस, अगर एक एक टाइम पर उसको दे रही है, दैट डजंट मीन कि आने वाले टाइम के लिए वो आपका कंसेंट बुक्ड हो गया है, ऐसा नहीं है। वुमेन का जो कैरेक्टर या मॉरल होता है वो उसके नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, उसकी सेक्सुअल जो हिस्ट्री होती है वो उसको डिफाइन नहीं करती है, उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती है।
सेक्शन 53 ए जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो कोशिश कर रहा है इस स्टीरियोटाइप के हटाने का बाय प्रोहिबिटिंग लॉयर्स को रोकता है कि आप ये टर्म नहीं यूज करोगे और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस पे बात नहीं करी जाएगी। पुरानी की मूवीज में देखिए आप तो ज्यादातर इन्हीं चीज पे फोकस किया जाता था कि प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस था और इस लड़की के कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, इसने कितना फंसाने की कोशिश करी, ये सारे तरह की चीजें यूज होती थी। अब साफ साफ कह दिया गया 53A जब इंडियन एविडेंस एक्ट में लाया गया, कहा गया उसका पहला क्या सेक्सुअल एक्सपीरियंस था हमें उससे मतलब नहीं है, आप प्रेजेंट जो केस चल रहा है उसके बारे में बात करिए। ओके, सो यहाँ पर अगेन चैस्टिटी वगैरह को लेकर फिर बात आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो लिखा हुआ है, इररिलेवेंट कंसिडरेशंस अबाउट प्रोमिस्क्यूटी और चैस्टिटी, ठीक है। अब अगेन अनचैस्ट वुमेन, ये सब वर्ड यूज करना आखिर क्या है। गुड वुमेन प्रेफर डेथ रादर देन बीइंग रेप बाय अ मैन, अच्छी औरतें जो होती हैं वो मरना पसंद करती हैं रादर रेप हो जाए उनका उसके कंपैरिजन में, ये स्टीरियोटाइप है। रियलिटी क्या है कि ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी की सोच थी और ये बहुत ही गलत बिलीफ है कि वुमेन को मर जाना चाहिए। ये जो बिलीफ है ये सर्वाइवर या विक्टिम को इसीलिए सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर आती है क्योंकि वो ऐसी सोसाइटी में रह रही है जहां पर ये सोच लोग रखते हैं, इसीलिए उनके लिए मुश्किल हो जाता है जिंदा रह पाना, ठीक है। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स का रेप नहीं हो सकता, ये एक स्टीरियोटाइप है जिसका रियलिटी क्या है, बिल्कुल उनका रेप हो सकता है। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल जो होते हैं वो ग्रुप है जो बहुत वल्नरेबल है सेक्सुअल वायलेंस के लिए क्योंकि स्टिग्मेटाइज्ड है, ये स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सारे ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल जो होते हैं वो सेक्स वर्कर्स होते हैं हु ऑलवेज कंसेंट टू सेक्सुअल रिलेशंस, ठीक है, सारे के सारे नहीं होते हैं, बिल्कुल भी गलत, ये मतलब कहना गलत होगा। अगेन फिर बात आती है अगर विमेन मदद नहीं मांग रही है, ठीक है, वो रेपिस्ट को अटैक कर रही है या फिर शी डज नॉट हैव, अगर मान लीजिए उसकी बॉडी पे कोई इंजरी नहीं आ रही है, कट और स्क्रेप नहीं है, तो उसका रेप नहीं हुआ है। रियलिटी क्या है कि विमेन जो सेक्सुअल वायलेंस फेस कर रही है एक आदमी के द्वारा, हो सकता है वो उस पोजीशन में नहीं हो कि वो उसको अटैक कर सके। रेपिस्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंटली डराते हैं सर्वाइवर्स और विक्टिम्स को, उनको मारने की धमकी देते हैं, ठीक है, उनके फैमिली मेम्बर्स को मारने की धमकी देते हैं। ज़्यादातर जो इंजरीज होती हैं वो हमेशा रिजल्ट नहीं करती हैं, इवन विमेन रेसिस्ट करें तब भी, क्योंकि अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं, आप एक नज़रिए से सारे केसेस को नहीं देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर अगेन चैस्टिटी पर कुछ केस लॉस को कोर्ट ने डिफाइन करा है। अभी ये आपका रिसेंट का केस है 2022 का, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय का केस, जिसमें रिजेक्शन प्री वैजिनम टेस्ट के लिए कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू फिंगर टेस्ट कभी भी साबित नहीं कर सकता कि उस पर्सन का सेक्सुअल एक्सपीरियंस प्रीवियस रहा है या नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है और ये डिग्निटी को वायलेट करता है रेप सर्वाइवर या विक्टिम की, आर्टिकल 21 के अंडर जो हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं ये उसको वायलेट करता है। कोर्ट ने कहा जो सो कॉल्ड टेस्ट है ये इनकरप्ट अजम्पशन है कि जो सेक्सुअल एक्टिव वुमेन होती है उसका रेप नहीं हो सकता, ये बिल्कुल बात गलत है क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से वहां पर आपका उसको नहीं हम मतलब कंसिडर कर सकते बेसिकली कि जब आपका टू फिंगर टेस्ट अगर सक्सेसफुल है तो दैट मींस कि उसका सेक्सुअल जो है एक्सपीरियंस पिछला कुछ रहा है। एक और लिलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो केस था उसको भी कोर्ट ने कंसिडर यहाँ पर किया था, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो टू फिंगर टेस्ट और इंटरप्रिटेशन होता है वो राइट ऑफ द रेप सर्वाइवर्स को वायलेट करता है, उसकी प्राइवेसी, उसकी फिजिकल मेंटल इंटीग्रिटी और डिग्निटी को वायलेट करता है। आगे अगर हम देखें एक बार तो कोर्ट ने फिर ऐसे ही एब्सेंस ऑफ फिजिकल इंजरीज मस्ट बी इवैल्यूएटेड कॉन्टेक्चुअली, एक एक चीज को बारीकी को यहाँ पर नोट किया गया है या बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें ये समझ में आता है इस पूरे हैंडबुक को देखने के बाद कि बहुत सोच विचार के साथ इस हैंडबुक को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब पूरी तरीके से कोशिश करी है कि जितने उनके जो जो केस लॉज मेजर आए हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे उन्होंने उन सबको यहाँ पे क्लब करके समझाने की कोशिश करी है, बिकॉज समटाइम्स हमें केस लॉज पता चलते हैं कभी नहीं पता चलते, आम आदमी तो डेफिनेटली नहीं जान पाता है, वो नहीं पढ़ता है, और ये जो सोच है ये जो स्टीरियोटाइप वाली जो सोच है ये आम आदमी से ही बनती है, उस आम आदमी से ही लोग निकल के लॉयर बनते हैं, उन आम आदमी से ही निकल के लोग जज बनते हैं। तो जब हम सिस्टम को समझते हैं कायदे से क्या है, ठीक है, जजेस तो डेफिनेटली नो डाउट कि उनको तो इंटरप्रिटेशन करते करते उनको चीज़ें जब वो वाइडर कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देख पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी जब वो उन चीज़ों को जजमेंट्स में इनकलकेट कर चुके हैं
बट उसके बाद भी अगर सोसाइटी इज नॉट अडॉप्टिंग दीज थिंग्स, तो डेफिनेटली इस हैंडबुक को रिलीज करना जरूरी था, क्योंकि शायद जजेस को तो समझ में आता है बट लॉयर्स को कम समझ में अभी भी लॉयर्स को उस हद तक नहीं आता है, और वो उस तरीके के शब्दों का प्रयोग कोर्ट रूम के अंदर करते हैं. सीधी सी बात है, और लोगों को अफेक्ट करता है, वहाँ पर पार्टीज को भी अफेक्ट करता है, विक्टिम सर्वाइवर को अफेक्ट करता है, और लोग जो उससे जुड़े होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इमोशनली अफेक्ट करता है. सो ये एक बहुत अच्छी पहल है, एंड मैं गुजारिश करूंगी कि हर एक इंसान यहाँ पर जो भी है, जो इस वीडियो को देख रहा है, वो इस हैंडबुक को एक बार जरूर देखे, उसको एक बार जरूर पढ़े, और सिर्फ पढ़ के उसको किनारे ना रख दे, बल्कि उसको अपने दिन जो डेली लाइफ है उसमें इनकलकेट करने की कोशिश करे, और लोगों को उसके बारे में बताए कि हाँ अब ये भाई टर्मिनोलॉजीज हमें यूज नहीं करनी चाहिए, ये हमारी लैंग्वेज को खराब बताता है, अब अगर तुम ऐसा यूज करोगे तो तुमको कोई कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है, क्योंकि आज की डेट में नॉलेज जो लॉ की है वो डेफिनेटली हर एक इंसान तक पहुंच जा रही है. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करना मत भूलना, शेयर जरूर करिएगा, जैसा कि मैंने कहा हैंडबुक भी शेयर करो, वीडियो को भी शेयर करो, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.